हेलो गाइस, दिस इज सनी और आपका स्वागत करता हूँ हमारा नया यूट्यूब चैनल चटोरा सनी पे। आज बड़ा स्पेशल डे, आज हमारा मेंटर गाइडर और हमारा हेल्पिंग हैंड हमारे कैमरा वुमेन का बर्थडे, मतलब मेरी मम्मा का बर्थडे है। अगर आप लोग भी विश करना चाहते हैं तो नीचे आइए कमेंट बॉक्स पे और विश कर सकते हैं। आज कुछ यूनिक और स्पेशल रेसिपी बनाएंगे। आज की रेसिपी वन बाइट केक है ना, यूनिक। तो चलिए बनाते वन बाइट केक। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल चटोरा सनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल चटोरा सनी। अरे यार, कितना अच्छा दिख रहा है, जितना अच्छा दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी बना है। और चॉकलेटी तो इतना बना है कि इसके अंदर भी चॉकलेट है, बाहर भी चॉकलेट है, ऊपर भी चॉकलेट है, नीचे भी चॉकलेट है, आगे भी चॉकलेट है, पीछे भी चॉकलेट है, इतना चॉकलेटी बना है ये केक। और बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते आज की रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी है वन बाइट केक। सबसे पहले हम यहाँ पे ओरियो बिस्किट लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 पैकेट ओरियो बिस्किट लिए हैं। ओरियो बिस्किट लेने के बाद में हम सारे बिस्किट से क्रीम अलग कर देंगे। सारे बिस्किट से क्रीम अलग करने के बाद हम सारे बिस्किट को छोटे छोटे पीस में तोड़ के ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे। सारे बिस्किट को ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ पर बिस्किट पाउडर में 1/2 बाउल शुगर पाउडर ऐड किया है। एज पर योर टेस्ट आप शुगर के प्रोपोर्शन में चेंजेस भी कर सकते हैं। शुगर ऐड करने के बाद हम यहाँ पे 1 कप मिल्क ऐड करके केक के लिए अच्छे से बैटर बना देंगे। अब हम यहाँ मिनी इडली पैन लेंगे, इसको ऑयल से ग्रीसिंग करके लो फ्लेम पे हीट अप होने के लिए रखेंगे। जब तक ये हीट अप होता है हम केक के बैटर के अंदर इनो ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ हमारी रेसिपी में आएगा ट्विस्ट। अब हमें यहाँ सारे इडली होल को केक के बैटर से 1/2 ही भरना है और 3 से 5 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रखेंगे। 3 से 5 मिनट गर्म होने के बाद ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, फिर हम इसमें चॉकलेट रख डालेंगे। और मैंने यहाँ पे ओरियो बिस्किट की जो क्रीम बची थी वो भी यूज़ की है, आप भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ केक के बैटर से इसको पूरा फिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से बेक होने देंगे। इस कंडीशन में आने के बाद हम एक एक को पलटेंगे और दूसरी साइड से अच्छे से बेक करेंगे। दूसरी साइड भी हम कुछ 4 से 5 मिनट ही बेक करेंगे, ज़्यादा बेक नहीं करेंगे। यहाँ हमारा केक बेस रेडी हो गया है, तो हम इसको एक एक को एक ट्रे में निकाल डालेंगे और अब हम इन सबको रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देंगे। और मैंने यहाँ अब डेरी मिल्क को पिघला के चॉकलेट सिरप तैयार किया है। सारे केक के पीसेस को हम यहाँ अब इस चॉकलेट के सिरप में डिप करेंगे। चॉकलेट सिरप में डिप करने के बाद मैंने यहाँ पर चॉकलेट सिरप ऊपर से भी पोर किया है। चॉकलेट सिरप पोर करने के बाद हम इन सबको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रखेंगे। अभी हमारी जो ओरियो बिस्किट की क्रीम जो बच गई थी ना, उसका भी यूज़ करेंगे। इन सबको एक सीक्वेंस में रख के रोल करके बीच से कट करेंगे। और यहाँ पे हमारी केक को डेकोरेशन कर लेने के लिए फ्लावर रेडी है। हर एक केक के पीस पर एक एक फ्लावर रखेंगे। और मैंने यहाँ पर डेकोरेशन के लिए जेम्स का भी यूज़ किया है। सारे केक के पीसेस को अच्छे से जेम्स से भी डेकोरेट करेंगे। मुझे तो यार और भी चॉकलेटी बनाना था, इसलिए मैंने चॉकलेट सॉस का भी यूज़ किया है, आप भी कर सकते हैं। एंड हेंस आवर वन बाइट केक इज़ रेडी टू ईट। खाना बनाइए और खाइए सनी के साथ।